दोस्तों खबर को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हर नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर कीजिएगा। आप बताइए लव जिहाद, लव जिहाद, अरे कैका लव, जिहाद मुकद्दस चीज, लव अलग है, लव से जिहाद का क्या ताल्लुक। अच्छा हुआ योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, परवीन तोगाड़िया, तू इस अकबर के दौर में है। नहीं मालूम, अगर अकबर आजम के दौर में होते तो राजपूतों की आन बान शान जोधाबाई को ये मलेका हिंदुस्तान भी नहीं बनने देते थे। सेक्युलरिज्म हमारे में नहीं है, नहीं है। कैसा सेक्युलरिज्म है बोलो आप? मलेका हिंदुस्तान बनाए फिर भी हमारे पे इल्जाम क्या है? अरे मैं बहुत बोल सकता हूं, इतना बोलूंगा याद रख, ऐ बीजेपी आरएसएस संघ परिवार वालों, तुम मेरे अल्फाज की आतिशनुवाई का मुकाबला नहीं कर सकोगे। पना मांगते फिरोगे। अब वो दिन गए जब तुम बोलते थे हम सुनते थे, अब दिन पलट गए हैं, हम बोलेंगे तुमको सुनना पड़ेगा। अभी तो शुरुआत हुई है बोलने की, इब्तदाए इश्क है, आगे आगे देखो होता है क्या। हमको छेड़ो नहीं, याद रखा, हमको कोई छेड़ता है तो हम उसको छोड़ते भी नहीं हैं। ये सर अल्लाह के सामने झुकता है, ये हाथ अल्लाह से मांगते हैं, और जो सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है, दुनिया की कोई ताकत उस सर को झुका नहीं सकती। हम तख्ते पर चढ़ जाएंगे, फांसी पे लटक जाएंगे, लेकिन खुदा की कसम ये गर्दन नहीं झुकेगी, क्योंकि ये गर्दन अकबर ओवैसी की नहीं, मुसलमानों की गर्दन है, आपके इज्जत की गर्दन है। नरेंद्र अमीन गुजरात का पुलिस वाला आता डीजीपी ऑफिस के सामने मार के चले जाता और औरत जाके एहतजाज करते मलकपुर पुलिस स्टेशन में, औरतों पे केस बुक होता है। तेलंगाना के एजुकेशन के केसेस वापस लेते, हमारी औरतों पे केस बुक होता वापस नहीं लेते, ये बच्चों के ऊपर केस बुक वापस नहीं लेंगे, पुलिस वाले फायर करते हैं। डिमांड्स भी आंसर उसमें आपके डिमांड्स पे मिनिस्टर साहब मार जा रहे हमारे बोलेंगे आपके डिमांड्स पे, हमारी जान की अहमियत नहीं, मिनिस्टर साहब हमारी इज्जत नहीं। Who is responsible for the terrorism in this country? The Sangh Parivar element and those elements who are responsible for the demolition of Babri Mosque are the elements who had given way to terrorism in this country. जमानत 50 लाख रुपए, मेरी पार्टी मजलिस 50 लाख रुपए जमानत देकर उन बच्चों को छुड़ाई है। मेरी पार्टी अब तक 20 लाख रुपया उनको दिया है, ऑटोस खरीद कर दिए। गवर्नमेंट क्या करी? कुछ नहीं करी। गवर्नमेंट क्यों नहीं बोलती कि हाँ गलती हुई है, गलत हुआ है, हम मुसलमानों से माफी मांगते हैं? बस हमको और कुछ नहीं चाहिए, और क्या चाहिए? कितना जुल्म साहब, कितना जुल्म करे मुसलमानों के साथ, आज तक बच्चे चल नहीं सकते साहब। वो 50 बुरका क्लैड वुमेन आर बुक इन केसेस, काइंडली विड्रॉ द केसेस अगेंस्ट द वुमेन। ओएसी साहब आप बताइए, उसको विड्रॉ करना शी इज ऑलरेडी अश्योर्ड दैट शी विल विड्रॉ करिए, माफी मांगिए, कंपनसेशन दीजिए। बैठिए आप, एक मिनट बैठिए। यस मुख्यमंत्री साहब, आई एम